अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट फॉन्ट्स वेबसाइट। तो बहुत से ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ये प्रॉब्लम होती है कि हमें कहीं से अच्छे फॉन्ट नहीं मिल रहे, हमें बहुत से फॉन्ट चाहिए जो कि हमें नहीं मिल रहे, और जिनको मिल भी जाते हैं तो बहुत से फ्री नहीं होते। तो अगर हम लोगों ने फ्री फॉन्ट्स लेने हैं तो उनके लिए हमें वेबसाइट्स चाहिए। तो आज मैं आपको उन्हीं वेबसाइट्स के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली वेबसाइट मेरे पास आती है डा फॉन्ट। डा फॉन्ट एक बहुत ही पॉपुलर एंड बहुत फेमस वेबसाइट है, क्योंकि इधर आप आके जितने फॉन्ट चाहें उतने ले सकते हैं, फ्री में मिलते हैं, इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, और इधर आपको ला तादाद मतलब मिल जाएंगे फॉन्ट। मैं कोई भी लिख और आपको एक लेटर के फॉन्ट भी मिल सकते हैं। सिर्फ यू का फॉन्ट चाहिए तो आप देखें यू के नाम के फॉन्ट आ रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आप चाहते हैं कि डी के अलावा के फॉन्ट आए तो सिर्फ डी के फॉन्ट के नाम आ रहे हैं। और फिर हम लोग इधर इनका साइज़ चेक कर सकते हैं। फॉन्ट्स अगर हम मतलब 100 चाहते हैं या 25 चाहते हैं, और साइज़ यहाँ पर आ जाता है हमारे पास लार्ज, यहाँ आ जाता है टाइनी, स्मॉल। अभी मैं इसको सब मैं लिखता हूँ इवल गोस्ट, मैंने लिखा है इधर, पहले से लिखा हुआ आ रहा था मेरा। तो साइज़ मैं रखता हूँ मीडियम, नेम पॉपुलैरिटी के उससे सबमिट करता हूँ। तो ये देखें कितने अच्छे अच्छे मेरे पास फॉन्ट्स आ रहे हैं, और इसलिए खुद जनरेट करके दिए हैं। मैंने इसे कहा मीडियम साइज़ रखो, इसलिए मीडियम रखा। पॉपुलैरिटी से मैंने कहा पॉपुलैरिटी, फिर मैंने फॉन्ट्स कहा कि सिर्फ 25 दिखाओ, उसने 25 दिखाए हैं मुझे सिर्फ। तो ये मेरे पास आ गए हैं फॉन्ट। तो ये हमारे पास है डा फॉन्ट। डा फॉन्ट वेबसाइट, मैं इन सब वेबसाइट्स का आप लोगों को लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये हो गया मेरे पास डा फॉन्ट की वेबसाइट। अब चलते हैं अपनी दूसरी वेबसाइट पे। दूसरी वेबसाइट है मेरे पास fonts.google.com। ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप लोग बहुत आसानी से फॉन्ट्स ले सकते हैं। कैसे? आप लोगों ने पहले इधर सर्च करना है कि आपने कौन से फॉन्ट चाहिए। अगर आपको फॉन्ट्स के नाम नहीं पता तो आप और भी आसान काम कर सकते हैं। पहली बात है इधर मैं कुछ लिखता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ जैन। उसके बाद मैं इधर लिखता हूँ कैटेगरी। कैटेगरी में कहता हूँ कि भाई इसे हर चीज़ हो, बस सैन सेरिफ ना हो, ठीक है। फिर लैंग्वेज, लैंग्वेज हमारे पास ऑल लैंग्वेजेस के नहीं होने चाहिए, मैं तो कहता हूँ सिर्फ इंग्लिश हो। तो मैं देखता हूँ अगर इधर इंग्लिश का हमारे पास है तो मैं इंग्लिश कर देता हूँ, तो क्योंकि पहले से इंग्लिश है तो उधर इंग्लिश नहीं शो हो रहा। फॉन्ट की प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ स्टाइल्स, ठीक है, थिकनेस, स्लैंट, विड्थ। मैं थिकनेस थोड़ी सी इनको दिखा देता हूँ, थिकनेस कितनी होनी चाहिए। थिकनेस मैंने थोड़ी सी इसकी एडजस्ट कर दी है। उसके बाद मैं इधर इनका साइज़ बता सकता हूँ कि कितने साइज़ के मुझे फॉन्ट दें। अभी मुझे प्रॉपर्टीज़ को देख के फॉन्ट्स दिखा रहा है, ये सारे फॉन्ट अलग अलग हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है, क्योंकि इधर आपको बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, सारे फॉन्ट डिफरेंट हैं। आप इनके साइज़ बड़ा छोटा इधर से ही कर सकते हैं, आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं। इधर आप इसका स्टाइल्स को देख सकते हैं, नंबर ऑफ स्टाइल्स। अगर 15 प्लस किया वो नहीं कर पा रहा, अगर मैं सिर्फ 3 प्लस करूँ मुझे दे रहा है स्लैंट। मैं स्लैंट थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास सब स्टाइल्स आते जा रहे हैं। अब मैं अगर किसी को डाउनलोड करना चाहता हूँ तो डाउनलोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, डाउनलोड करने के लिए मैं सिंपली इधर एक हमारे पास इधर इसको क्लिक करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद ये मुझे कहेगा कि कौन सा स्टाइल आपको चाहिए, मैं कहूँगा सेलेक्ट दिस स्टाइल। उसके बाद ये मुझे दिखाएगा, ये एक विंडो पॉपअप मुझे दिखाएगा इधर, मैं कहूँगा डाउनलोड फैमिली। डाउनलोड मेरे पास हो गई, ठीक है। अगर मैं इस फाइल को खोलूँ तो ये मुझे TTF फाइल में शो कर रहा है जो कि मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, और इससे मेरे फॉन्ट्स मैं डाउनलोड कर लूँगा। बहुत ही आसान है। इसी तरह डा फॉन्ट में भी आप लोग उधर सामने से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं अपनी तीसरी वेबसाइट पर। तीसरी वेबसाइट है मेरे पास 1001 फॉन्ट्स। नाम से पता चलता है कि इधर बहुत सारे फॉन्ट्स हैं,
आप इधर कोई भी फॉन्ट लिखें, कोई भी नाम लिख दें, मेरे दिमाग में बस यही आ रहा है, आई एस के मैंने लिखा, तो मैं अब इधर इसको पहले तो इसको साइज़ दे देता हूँ, साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब मैं इधर फ़ॉन्ट का रंग भी दे सकता हूँ, तो ये मेरे पास एक टाइप आती है, मैं रंग दे देता हूँ इसको, रेड दे देता हूँ, ठीक है, रेड मैंने इसको दे दिया रंग, फ़ॉन्ट का अपना जो मैं चाहता हूँ कि जो रंग हो वो हो रेड, तो मैं इधर से इसका फ़ॉन्ट का जो रंग है वो कर देता हूँ रेड, फिर ब्लैक पे था मैंने रेड कर दिया, ठीक है, थोड़ा ऑरेंज मेरे पास शेड आ रहा था तो मैं ये अभी रेड कर देता हूँ इसको, ये रेड हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो मुझे इसका बैकग्राउंड है वो मुझे ब्लैक चाहिए, तो मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और कहूँगा कि बैकग्राउंड ब्लैक हो मेरे पास, तो मैंने ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया। इससे आपको ये आइडिया होगा कि जो मैं फॉन्ट ले रहा हूँ अगर मैं उसका साइज़ बढ़ाऊँ तो कैसा दिखेगा, फिर अगर उस फॉन्ट का रंग रेड होगा तो ब्लैक बैकग्राउंड पे कैसे दिखेगा। तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम इधर बच सकता है। उसके बाद फिर आपको टाइप बताएगा कि पॉपुलैरिटी, ट्रेंडिंग, अल्फ़ाबेटिकली किस तरह से फ़ॉन्ट दिखा है, तो मैं कहता हूँ ट्रेंडिंग के हिसाब से मुझे फ़ॉन्ट दिखाओ, तो ट्रेंडिंग के हिसाब से मुझे फ़ॉन्ट दिखाने लग गया है। तो ये मेरे पास है 1001 फॉन्ट्स वेबसाइट। तो अब आते हैं अपनी सेकेंड लास्ट वेबसाइट पे। तो सेकेंड लास्ट वेबसाइट है मेरे पास फॉन्ट स्क्वायर। तो इस वेबसाइट पे भी आप लोग बहुत सारे फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो समझना है, सिंपली आपने आना है फॉन्ट का नाम लिख दें, या अगर फॉन्ट का नाम नहीं तो इधर आप वैसे ही सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप इधर सर्च कर सकते हैं कि कौन से रीसेंट फॉन्ट आए हैं, ये आपको रीसेंट फॉन्ट दिखा देगा, ये हमारे पास रीसेंट फॉन्ट है जो हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो और टॉप फॉन्ट डील्स, मतलब इधर आप टाइप्स देख सकते हैं और डील्स आप कर सकते हैं इनके साथ, फिर जनरेटर भी इनके पास है, कोई भी मैं इधर नाम लिखूँगा तो ये मैं जनरेटर में दे सकता है। और दूसरा, अगर हमने इधर फॉन्ट को अपलोड करना है तो हम फॉन्ट अपलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अच्छा रहता है फॉन्ट स्क्वायर, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट हैं, अब नीचे करते जाएँ फॉन्ट्स आते जाएंगे। अब ये एक जगह मेरे पास ख़त्म हो गए हैं फॉन्ट्स, तो मैं क्या करूँगा, इधर मेरे पास अब टाइप्स आ रही हैं, मैं इसको टाइप्स दे देता हूँ यहाँ पर कि रिसेंटली एडिट दिखाओ, उसके बाद मुझे सैन सेरिफ दिखाओ, मुझे हेडिंग के लिए दिखाओ, तो टाइप्स आती जाएंगी। आप इधर नंबर ऑफ पेजेस कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास आ गया फॉन्ट स्क्वायर। अब लास्ट वेबसाइट पे आ जाते हैं, लास्ट वेबसाइट है मेरे पास जिसका नाम है फॉन्ट स्पेस डॉट कॉम। ये भी 1001 फॉन्ट्स की तरह है, इधर भी आप अपना रंग पसंदीदा दे सकते हैं, साइज दे सकते हैं, और जो लिखेंगे आप वही आएगा। मैं इधर लिखता हूँ एग्नेस, नाम है एग्नेस, एंटर करता हूँ तो एग्नेस के पूरे मेरे पास फॉन्ट के स्टाइल आ गए हैं, उसकी टाइप्स आ गई हैं, ठीक है। इसमें मैं अब रंग चेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि रंग हो थोड़ा वाइट टाइप रंग हो मेरे पास, ग्रे टाइप, तो ग्रे टाइप मेरे पास रंग आ गया है, मैंने क्लिक कर दिया था। और मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड हो थोड़ा रेड हो, तो रेड हो गया। अब अगर मैं इनको डाउनलोड करना है तो यहाँ से तो मेरे पास ये मेरे कलेक्शन में ऐड होंगे, मैं यहाँ से इनको क्लिक करूँगा सिंपली और डाउनलोड मेरे पास हो जाएगा, मेरे पास डाउनलोड हो गया। तो व्यूवर्स, ये थी आज की हमारी शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर अपने फ़ॉन्ट्स आप चूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप बहुत सारे फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री में, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत यूज़फुल लगी होगी। और मैं इन फॉन्ट्स के जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं इनके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।